दोस्तों नमस्कार, VSS म्यूजिक एंड फिल्म स्टूडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम ये हमारे चैनल का पहला ब्लॉग्स बनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अगर इसमें कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। देखिए, हम आज जिस काम के लिए निकले हैं उसमें रास्ता बड़ा विकट है, परिस्थितियाँ भी विकट है, और दरअसल हम उस पौधे को भी नहीं जानते जिसे हम ढूंढने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम शतावर के पौधे की खोज में जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में कि ये पौधा ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसके ये गुण हैं, ये दोष है, इस काम आता है। तो हमने सोचा कि चलो आज हम इसके बारे में पूरी खोज करके ही आते हैं। ये माइंस का गड्ढा है, इसमें से लाइम स्टोन निकाला जाता है। अभी ये खान निकल नहीं रही है, बंद पड़ी है। इसमें से शायद हो सकता है जो पत्थर था वो निकाल लिया गया। तो हम ऐसे रास्ते पे आगे विकट रास्ते पे चलते ही गए। देखिए चारों तरफ झाड़ियां हैं, पत्थर पड़े हैं, गड्ढे हैं, बड़े विकट रास्ता है। इस रास्ते को पार करते हुए हम बद्री राम जी को हमने साथ में लिया, क्योंकि हम तो उस पौधे के बारे में जानते ही नहीं। ये देखो, ये पहाड़ सा नज़र आ रहा है आपको, ये कृत्रिम पहाड़ है, क्योंकि जब इसकी माइंस खोदी जाती है तो ऊपर की जो रेत होती है उसको बाहर दूर जाकर डालते हैं, तो एक पहाड़ सा बन गया है। ये हमारे कैमरामैन श्रीमान खेमाराम जी चौधरी, इनको ये पौधा मिल गया है। ये इस पौधे को बताते हुए देखो कैसा होता है पौधा, ये उल्टे कांटे होते हैं, इसको नार कांटा भी कहते हैं। तो ये जो पौधा है ऐसे बीड़ों में होता है, जंगलों में, जंगल से पानी पीता रहता है और दूसरे पौधों की सहायता से उगता है। तो हम अब इसकी खुदाई करेंगे, पर हमें क्या है कि इसके पास में ये खोदा हुआ पौधा मिल गया, तो हमने इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और ये जो खुदाई कर रहे हैं ये है हमारे रत्नाराम जी मेघवाल, VSS टीम के सदस्य ही हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत से इस पौधे को खोदा है। देखो ये खोदना भी आसान नहीं है, हर कोई खोद भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर से अलग रेत हटाओ, फिर देखो नीचे कैसे जड़ें मिलती है इसकी। अगर सावधानी से नहीं खोदें तो पूरा ये जड़ है तो वो गुद्देदार होती है, पूरी छिल जाती है, तो फिर वो रेत में क्या होती है, भीग जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर साफ सफाई भी नहीं होती उसकी। तो अभी आपसे अनुरोध एक ही है कि आप इस वीडियो को देखें पूरा ज़रूर, क्योंकि वीडियो के ये तो अभी जो इसको खोदने का काम है, इसको इकट्ठी करेंगे, उसके बाद इसको कैसे काम लेना, देखिए किस प्रकार किया कि शतावर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि दरअसल ये शतावर होती क्या है। पसारी की दुकान पे ले आते हैं या दिव्य फार्मेसी की पीसी हुई भी मिलती है, तो चूर्ण मिलता है इसका, पर हकीकत में ये कैसे इसको प्राप्त करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाए तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा पहला प्रयास है, आपसे अनुरोध है कि आप एक बार इसे ज़रूर देखें और इससे क्या क्या लाभ हैं वो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करें। हमने इस पौधे को पूरा नहीं खोदा है, हमें तो दूसरा पौधा एक पुराना खोदा हुआ मिल गया था पास में, हमने वहीं से जड़ें प्राप्त की है। और जब हम वहाँ गए तो हमने एक दो बूढ़े आदमी हमें मिल गए थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पहाड़ी एरिया में खूब सारे ऐसे शतावर के पौधे थे, पर क्या है कि कम ज्ञान की वजह से लोगों ने इसको खोदने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में, थोड़े मुनाफे के चक्कर में पूरे के पूरे पौधे ही उखाड़ दिए, जिससे आज ये विलुप्त हो गई है, यहाँ से नहीं के बराबर मिलती है। हमें भी ढूंढने में काफ़ी तकलीफें हुई थी, पर हमारी किस्मत अच्छे थे कि हमें बहुत जल्दी ही ये पौधा मिल गया। और हमने दूसरे पौधे को टच भी नहीं किया, क्योंकि जब हमें मिल गई तो उसको क्यों उखाड़ें भाई। ये हमारे रत्नाराम जी, ये खेमाराम जी बैग्स में भरकर लेकर आ गए हैं शतावर, और अब इसके बारे में आपको बताएंगे बद्रीराम जी सुतार। अच्छा पानी में धोई ली भी, धोया रे बाद में
इनो छिपतू उतारनो उपरलो ओ उपरलो छिपतू उतारियां बाद में इनमें लकड़ी री आज और लकड़ी री आंत आया करे इनमें आ निकालने जरूरी है और बाद में छाया में हुकोई देनी। इन सतौर रा गुण गोडा बादी और पेट स्याप खून स्याप आ जड़ी बूटी गुणकारी है। सतौर लेनी 12 महीना मु जरूरी है तो इन्हें हूंटरी लाग लागे जिम लाग नहीं लागे लेवा तो भी ठीक नहीं लेवा तो चाले। आ लेवनी विधि अपा गाय रा दूध में लेवा तो भी ठीक है और गाय रो दूध नहीं भी मिले तो पतली रवि बनाई गुल्ली हीरा रे साथ अपन ले सका और लिया रे बाद में 8 दिन रखा रखना जरूरी है और 8 तोला तो जरूरी लेनी जरूरी है। 8 तोला बिना कोई ठार नहीं पड़े। आयुर्वेदिक री दवाई 20 दिन रे बाद में असर करे। 8 दिन लेवा 8 ही रखा रखा उन्हें बाद रे महीने अपने शरीर महीने उनो गुण बाद में ठा पड़े। रखा रखने तेल गुड़ खटाई नहीं खावे और दाल में रुचि अनुसार घी लेला तो भी चाले।